लेट्स स्टार्ट विद DIY मास्क। मेरे पैरों पे बहुत टैनिंग है, उसे रिमूव करने के लिए मैं इस मास्क का यूज़ कर रही हूँ। 1.5 स्पून मैंने बेसन लिया है और हाफ टोमेटो मैं स्क्वीज कर रही हूँ, उसका जूस निकल जाए। आप चाहो तो आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हो और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर रही हूँ ताकि मॉइस्चर मिल जाए अच्छे से। और इसे मिक्स करके ना एक पेस्ट बना लूँगी, थिक पेस्ट बना लूँगी और इसे अपने पैरों पे अप्लाई कर लूँगी। DIY मास्क ना बहुत जल्दी काम नहीं करते हैं, मुझे 2 से 3 बार ये लगाना पड़ेगा, बट डेफिनेटली ये मेरी टैनिंग को रिमूव करेगा। 10 to 15 मिनट वेट करने के बाद मैं इसे वॉश कर दूँगी। शावर टाइम। 2 घंटे पहले मैंने हेयर ऑयल अप्लाई करा था जिसकी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है। तो शैम्पू करने से पहले ना मैं अपने बालों को कॉम कर रही हूँ ताकि कोई भी नॉट ना रह जाए उसमें। और शैम्पू और पानी को मैंने अच्छे से मिक्स करके डाइल्यूट कर लिया है और इसे अपनी स्कैल्प पे डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ, बिना अपनी स्कैल्प को गीला करे, बिना अपने बालों को गीला करे। थोड़ा सा मसाज करूँगी और 2 मिनट के लिए इसे अपनी स्कैल्प पे ऐसे ही छोड़ दूँगी। इससे क्या होगा, सारा ऑयल, डस्ट, डर्ट, गंग बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगा। बार बार मुझे शैम्पू अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 2 मिनट के बाद मैं इसे पानी से अच्छे से रिंस ऑफ कर लूँगी। इसके बाद मैं एक बार और थोड़ा सा शैम्पू अप्लाई करती हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी स्कैल्प ना अच्छे से क्लीन हो गई है। और यहाँ पे ना मेरी लेंथ गीली है, ठीक है, तो मैं अलग से शैम्पू नहीं लगाती हूँ। इसी तरह से सेकंड टाइम जब शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ तो मेरी लेंथ भी क्लीन हो जाती है, अलग से शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शैम्पू के बाद मैं प्लम का ऑलिव एंड मैकेडमिया हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने कलर करा था और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, लेंथ काफ़ी ड्राई हो गई है। तो मैं इस हेयर मास्क का यूज़ कर रही हूँ और मैं सिर्फ इसे अपनी लेंथ पर अप्लाई करूँगी, स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करूँगी। पूरी लेंथ पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसे मैं एक लूज़ बन में बांध के छोड़ दूँगी। आप जब भी कंडीशनर और हेयर मास्क यूज़ करो ना, मेक श्योर आप उसे एक लूज़ बन में बांधो, बैक पे ऐसे ही मत छोड़ो क्योंकि उससे ना आपको बैक एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ मैरियो बडेस्क्यू AHA बोटैनिकल बॉडी सोप टू वॉश माय बॉडी। इसमें AHA मतलब अल्फा हाइड्रो एसिड है, विच इज़ अ केमिकल एक्सफोलिएटर। ये आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर को एक्सफोलिएट कर देता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। पूरे विंटर मैंने यही शावर जेल यूज़ करा है, बट अगर आप ये रूटीन फॉलो करो तो आपको सेम शावर जेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर शावर जेल के साथ एमकैफिन का कॉफ़ी बॉडी स्क्रब यूज़ कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो मैं अपने वेट लूफा पे अपना शावर जेल अप्लाई कर रही हूँ और सर्कुलर मोशन में अपनी पूरी बॉडी को इसे रब कर लूँगी, इसे वॉश कर लूँगी अपनी बॉडी को। इसमें केमिकल एक्सफोलिएटर है तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहो तो मेक श्योर आप बॉडी सनस्क्रीन का यूज़ करो या फिर ऐसे बॉडी लोशन का यूज़ करो जिसमें ऑलरेडी SPF हो। इसके बाद मैं इसे पानी से रिंस ऑफ कर दूँगी और हेयर मास्क रिमूव करने का भी टाइम हो गया है तो पानी से हेयर मास्क को भी रिमूव कर दूँगी। और लास्ट में आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस विथ नायका क्यूकम्बर एंड एलोवेरा फेस वॉश। और ये हूँ एडिटिंग के कमाल से मैं, आधे सूखे आधे गीले बालों के साथ। तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ माई हेयर सीरम, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड लॉरियल। आई रियली लाइक दिस सीरम, 2-in-1 प्रोडक्ट का काम करता है, हीट प्रोटेक्शन भी देता है और बालों को शाइन भी देता है, सॉफ्ट भी करता है। रियली लाइक दिस सीरम, मैं इसे अपनी लेंथ पे अप्लाई कर लूँगी। आफ्टर हेयर आई एम गोइंग टू डू माई नेल्स। यू कैन सी क्या हालत हो गई है मेरे नेल की, कितने ख़राब लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ओल्ड नेल पेंट जो मैंने लगाया हुआ है उसे रिमूव कर रही हूँ काया नेल पेंट रिमूवर की हेल्प से। नाउ यू कैन सी इनकी शेप भी थोड़ी ख़राब हो गई है, तो पहले मैं नेल कटर से इन्हें थोड़ा कट कर लूँगी, एक ही शेप में ले आऊँगी इन सबको। मुझे स्क्वायर शेप पसंद है तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और बफर की हेल्प से ना तो जो डेड स्किन इस पर आ जाती है उसे रिमूव कर रही हूँ। एक अच्छा बफर नहीं है, मैं दूसरा खरीदूँगी और अपना फेवरेट करंट फेवरेट नायका नेल पेंट लगा रही हूँ। शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी एंड यू कैन सी माई नेल्स अच्छे लग रहे हैं पहले से। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग माई हैंड क्रीम, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड जॉय। नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर एंड मेकअप, बट लेट मी क्विकली चेंज माई आउटफिट। ये तो मैंने चेंज कर लिया, ये ड्रेस है H&M से। और मेकअप से पहले मैं अपना स्किन केयर ऑलरेडी फॉलो कर चुकी हूँ और जो भी मेकअप करूँगी वो मैंने इस बास्केट में रख लिया है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी पोर मिनिमाइजर प्राइमर। दिस प्राइमर इज़ गुड इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, विंटर में आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट समर में ना ये ऑयल कंट्रोल नहीं करता है। बट अभी स्वेटिंग नहीं हो रही है, ठीक है अभी का काम चल जाएगा। एंड फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग एलिगर HD कंसीलर इन द शेड कूल टैन। यूजुअल प्लेसेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ भी एक्ने मार्क है और जहाँ भी पिगमेंटेशन है। और इसके बाद इसे एक कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी।
फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग मिस क्लेयर एवरीडे वेयर फाउंडेशन, लाइट वेट फाउंडेशन है, मीडियम टू शेयर कवरेज देती है ये। मैं इसे एक साथ नहीं अप्लाई करती हूँ, पहले जहाँ भी मुझे कवरेज चाहिए ना यू कैन सी वहाँ वहाँ मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद जो लास्ट में बच जाएगा उसे अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी जहाँ थोड़ी बहुत कवरेज चाहिए, जहाँ मैं ऑलरेडी कंसीलर लगा चुकी हूँ। नाउ टू ब्लेंड माई फाउंडेशन, मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे मेकअप सेटिंग स्प्रे स्प्रे कर रही हूँ और अब इसकी हेल्प से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। इससे फाउंडेशन जल्दी ब्लेंड होता है और सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद उसे सेट करने के लिए मैं के ब्यूटी लूज पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर पे पहले लूज पाउडर लूँगी और जिस तरफ लूज पाउडर नहीं है ना पहले वहाँ से कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी क्रीसिंग ना हो। अगर क्रीसिंग सेट हो गई तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके बाद लूज पाउडर से अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी। फाउंडेशन के बाद फेस एकदम फ्लैट लग रहा है तो उसे डायमेंशन और कलर वापस देने के लिए मैं ब्रॉन्जर का यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मेकअप रेवोल्यूशन। फेस के हॉलोस से मैं शुरू करूँगी और ब्लेंड करने के बाद इसे अपनी जॉ लाइन पर भी अप्लाई करूँगी और सेम ब्रॉन्जर मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी नोज़ कॉन्टोर के लिए भी और फोरहेड पर भी इसे यूज़ करूँगी। एंड फॉर ब्लश आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड ब्लश इन द शेड मेलो वाइन। मैं डायरेक्टली नहीं अप्लाई करूंगी, ब्रश पे लेने के बाद इसे अपने हैंड पे ना डैप डैप करके एक्सेस इसका रिमूव कर दूंगी, उसके बाद इसे अप्लाई करूंगी क्योंकि ये बहुत ही पिगमेंटेड है और लॉन्ग लास्टिंग। एंड फॉर हाईलाइटर आई एम यूजिंग के ब्यूटी हाईलाइटर, दिस इज इन द शेड शैम्पियन। अपने फेस के हाइएस्ट पॉइंट पर मैं इसे अप्लाई करूंगी, चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ माई नोज, क्यूपिड बो एंड टेम्पल पे। आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसिस कैनेडा आईब्रो पेंसिल, दिस इज़ इन द शेड टैन। गर्मी की वजह से ना ये काफ़ी ही पिगमेंटेड हो गई है तो बहुत ही धीरे धीरे मैं करके मैं इसे अप्लाई कर रही थी ताकि बहुत ज़्यादा ऐसे बोल्ड और डार्क ना हो जाए मेरी आईब्रो। एंड फॉर आई मेकअप मैंने बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप करा है, मैं मार्स का फैफ फैंटेसी आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इन दो मिलाकर अपनी क्रीज और अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा रखा था मैंने आई मेकअप क्योंकि मुझे सिर्फ विंग लाइनर लगाना था और उसके लिए थोड़ा सा मुझे कलर चाहिए था अपनी आईलिड पे, तो यही शेड मैंने अप्लाई कर लिया। इसके बाद आई एम यूजिंग कलर बार आईलाइनर। और जब भी आपको ऐसे विंग आईलाइनर लगाना हो ना एक साथ ही मत लगाओ बोल्ड, अगर आपको बोल्ड लगाने का मन है पहले छोटा विंग क्रिएट करो उसके बाद धीरे धीरे करके उसे बोल्ड करो। एक बार में लगाओगे ना तो शायद वो बिगड़ जाए लेकिन धीरे धीरे करके उसे बिल्ड करोगे तो वो परफेक्टली अप्लाई होगा। आईलाइनर के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा और मैं यहाँ पे दो मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। पहला है फ्रॉम द ब्रांड इसेंस, ये लेंथ अच्छी देता है लैशेस को, तो पहले मैं इसेंस मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं लॉरियल लैश पैराडाइज मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये लैशेस को ना अच्छा सा वॉल्यूम देता है तो दोनों को मिक्स करके अप्लाई करती हूँ तो बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाता है। और अपने लोअर लैश लाइन के लिए मैं सेम इसेंस वाला मस्कारा ही यूज़ कर रही हूँ, लैश पैराडाइज नहीं यूज़ करूँगी अपने लोअर लैश लाइन पे। आफ्टर मस्कारा आई एम गोइंग टू यूज़ माई लिपस्टिक और उसके लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है। पहली है फ्रॉम द ब्रांड फ्लावर ब्यूटी, दिस इज इन द शेड ब्लैक चेरी और मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ, ठीक है मैं कैसे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी आपको, मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। नाउ यू कैन सी दिस कलर एंड ट्रस्ट मी ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर मैट पावर लिपस्टिक नंबर 02 और इसे अपने लिप के सेंटर पे अप्लाई करूँगी। यू कैन सी इसे ना फुलर लिप्स वाला लुक क्रिएट हो जाता है और ये शेड आई रियली लव दिस शेड। मुझे पूछते हैं लोग कौन सी लिपस्टिक लगाई है तो मेरे पास बताने के लिए नहीं होता है कि क्या बताऊँ मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है, बट यू कैन सी दिस शेड लुक सो सो प्रिटी। मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है, नाउ आई एम वेयरिंग माय ज्वेलरी। ये छोटे छोटे से इयररिंग है जो मैंने शॉपर स्टॉप से खरीदे थे वही मैं पहन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। इसके बाद हेयर करूँगी, मैं हेयर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस अपने बालों को कॉम कर ले रही हूँ। मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट हैं तो ऐसे मिडिल पार्टीशन के बाद ना हल्का हल्का सा कॉम करके और फिंगर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कर देती हूँ तो मेरे एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाता है, ज़्यादा मेहनत मुझे करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। फॉर परफ्यूम आई एम यूजिंग जैज फ्रॉम मिनीसो। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मुझे कमेंट करके भी बताना। और इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।